Never thought that I'll be using blindfold like this. कुछ दिख नहीं रहा यार. You will not get mad at me, okay? Of course. पहला ऐसा हेयरकट है जो साइड से शुरू हो रहा है. तो ये जो मैंने किया है ना, जो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो. यार मेरे को ना सेमेंट लग रहा है. आई प्रॉमिस यू विल नॉट लुक लाइक अ चंपू, यू माइट लुक लाइक अ चोमू. What's up guys, welcome back to the channel. My name is Kamaljeet Rana. आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. बेसिकली आज या तो मेरा पोपट होने वाला है या फिर मुझे एक नया एवेटार मिलने वाला है. तो बेसिकली मैं और ज्योति जा रहे हैं एक चैलेंज करने के लिए. उस चैलेंज के अनुसार ज्योति has, अच्छा तुम्हें बोलने नहीं, अच्छा नहीं मैं कह रही ज्योति has decided on a haircut that will be given to me. मतलब मैं वो हेयरकट कराने वाला हूँ. कंडीशन ये है, माइंड यू, कंडीशन ये है कि पूरे हेयरकट के दौरान स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरी आंखों पे एक पट्टी यानी कि एक ब्लाइंड फोल्ड बना होगा. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ज्योति ने क्या हेयरकट चूज किया है मेरे लिए. मैं गंजा भी करा सकती हूँ कमल को. आई हैव गिवन हर फुल लिबर्टी कि वो मुझे गंजा तक करा सकती है. बस एक चीज है कि मैंने दाढ़ी के लिए बोला है क्योंकि मेरा एक काम चल रहा है ना अभी साइड बाय साइड, तो मैंने कहा दाढ़ी का थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी ना हो पाए. अच्छा दाढ़ी का रिस्क मत लो क्योंकि तुम्हारी कंटिन्यूटी चल रही है. सबसे पहले जाके बियर्ड ट्रिम करवाना, आंखें खुले में. हमारा जो चैलेंज है वो सर के बालों का है, तो तुम्हारी दाढ़ी करवा लेना. उसके बाद आई विल गिव यू ऑफ ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट द हेयर कट. वी कैन गो लाइक दैट वे आल्सो, दैट्स मच बेटर. आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. दाढ़ी के साथ पंगा हो गया ना कमल की, तो मुश्किल हो जाएगा. हाँ, ये चैलेंज है बेसिकली. एंड जो तुमने वो हेयर कट सिलेक्ट कर लिया, कौन सा होने वाला है या तुमने सोचा हुआ है, कोई इमेज है तुम्हारे पास? मेरे पास इमेज है. तो इमेज में इस पॉइंट पे लगाना ठीक रहेगा या फिर वो फाइनल कट के बाद कंपेयर करेंगे कि ये हमने सोचा था और ये मिला है हमें? हो भी सर, पता नहीं, शायद आई लेट, पता नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता नहीं, अभी पहले रुक जाओ, अभी पहले, हाँ अभी मत लगाओ. ठीक है, तो ठीक है, हम एंड में लगाएंगे उस इमेज को जो ज्योति ने सिलेक्ट की है मेरे लिए. और आप लोग बताना कि हेयर कट कैसा हुआ है एंड हाउ एम आई लुकिंग इन दैट हेयर कट. ठीक है ज्योति, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस चैलेंज. बट यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑन कैमरा राइट हियर राइट नाउ, यू वोंट गेट मैड एट मी. नो, आई वोंट गेट मैड एट यू. आई एम टेलिंग यू कमू, बाद में मेरे से चिक चिक नको करियो. राइट लेने को भाग के, बहुत ट्रैफिक है. मैड करने, मैड, पहली बात तो मैड होने का कोई फायदा नहीं है. पूछो क्यों? क्यों? जो एक बार कट गए वो तो कट गए. मैड हो गए की फायदा उसके बाद, है ना? तो ठीक है चलो, क्योंकि अब तुमने बोला है फुल लिबर्टी, तो फिर फुल लिबर्टी. या, फिर फुल मैं तुमको, क्या होता है वो जीरो नंबर का? हाय हाय ज्योति, ऐसा ना कर, जीरो नंबर डरा मत मुझे. क्यों? मतलब मैं कुछ भी करा सकती हूँ, बिकॉज देखो मैंने तुम्हें गंजा देखा नहीं है कभी. ओके, मतलब wouldn't it be great to see you like bald completely? No, it won't be great. मैं गाड़ी मोड़ लूँ, मैं बता रही हूँ. There is a filter. मैं कर सकती हूँ. Okay, there is a filter on Instagram जहाँ पे आप चेक कर सकते हो बंदे कैसे लगते हो. मैंने वो फिल्टर ट्राई किया एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट. आई वॉज नॉट, सो प्लीज डोंट डू दैट टू मी. उसी को चैलेंज बोलते हैं. चलिए देखते हैं, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. Okay, so we are starting with the beard first. As वो बताया ना कि टीवी शो कर रहा हूँ तो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है. जब ये हो जाएगा देन I'll put on the blindfold and then we'll go with the haircut. Okay, so beard trimming हो गई है. अब हम शुरू करेंगे haircut, जिसके लिए मैं भैया को दिखाऊंगी हमें क्या करना है. अच्छा जब साइड्स करनी होंगी भैया, जब साइड्स करनी होंगी तो यहाँ पे तो मैंने पट्टी बांधी होगी, तो इनकी चेयर घुमा लेंगे दूसरी तरफ. मतलब बेसिकली इनको दिखना नहीं चाहिए हम क्या, ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको वो पट्टी ऐसे अड़ेगी ना, आपको लगेगा कि मुझे मुश्किल हो रहा है, तो उस टाइम पे पट्टी हटा देंगे, लेकिन इनको शीशे की तरफ से ऐसे घुमा लेंगे. ठीक है भैया, इज ऑल इन. जब मैं छोटा था ना, जब मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हेयर कट वो याद आ गया, क्योंकि उस टाइम पे ना ट्रिमर बहुत अजीब तरीके का करता था. वैसे तो क्लच वाला होता था, कच्चे 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 करके चलता था, याद है वो ट्रिमर? तो हम लोग की बच्चों की हाइट छोटी होती थी ना, तो वो चेयर के ऊपर एक फट्टा लगा देते और उसके ऊपर बिठाते थे फट्टे पे. तो फर्स्ट टाइम ट्रिमर फटफट कट किया, आई डिड 40 40 निकल के मेरे डर के मारे. यहाँ तो नहीं करोगे? माई डैड स्टिल मेक्स फन ऑफ मी, कह रहे कि रहे तो रहने दे, तूने तो वहाँ पे वो पॉटी कर दी. हाय हाय, तो क्या पूछ रहे हो अभी? यहाँ पे नर्वसनेस के कारण यहाँ तो मुझे फाइनल लुक में करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से तुम प्लान करके बैठे. सो दिस इज द बिफोर. अब इधर देखो, अब और उधर देखो. हाय हाय, मार लो झटके जितने अभी मारने हैं. सुनो, जितने झटके मार रहे हैं अपने बालों को अभी मार लो, फिर झटकों के लिए बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे पास. मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, क्यों कर रहा हूं मैं? चलो, सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज दिस.
भैया तुम छोड़ दो। नहीं मैं भैया कैसा रहेगा? बढ़िया ना, जैसे किसी जेल से भागा हुआ कैदी हो। सो सबसे पहले भैया को दिखाते हैं हम क्या करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोना डू, ठीक है? दिस इज द ब्लाइंड फोल्ड, मतलब इससे हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे कोको को। नेवर थॉट दैट आई विल बी यूजिंग ब्लाइंड फोल्ड लाइक दिस फॉर दिस। हैड सम डिफरेंट फैंटेसीज। हां लुक एट इट। हां एक्चुअली तुम नीचे भी रख सकते हो। हां नहीं नहीं कवर्ड है। हां एक्चुअली यहां रख सकते हो। Now just relax. Kamu, how are you feeling? कुछ दिख नहीं रहा यार। और जिस हिसाब से क्लिप लग रही है मैं गेस ही कर रहा हूँ बैठ के ना। हाँ एक्चुअली अब तुम फीलिंग से गेस करते रहना, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी, यू हैव स्टिल नॉट प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल नॉट गेट मैड एट मी, ओके? ऑफ कोर्स। हाँ आई विल नॉट गेट मैड। थैंक यू फॉर सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड। ये तो पहला ऐसा हेयर कट है जो साइड से शुरू हो रहा है। तुम मुझे गजनी हेयर स्टाइल तो नहीं दे रही हो? नो ना जस्ट शट अप ओके जस्ट रिलैक्स। ये जो मैंने किया है ना जो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर कोई और होता ना उसको मैं बख्श देती। दिस इज द टाइम फॉर द रिवेंज आई हैव टू टेक फ्रॉम यू। क्या हुआ? बड़ी डिफरेंट फीलिंग आ रही है। हाँ ऐस अच्छा अभी भी दिख रहे हैं भैया ये बिल्कुल वो कर देना। कोको तू कपड़े क्या पहन के आया है? मैं तो आज को अरे यार कोको ढंग के तो पहना था, कम से कम कपड़े तो ढंग के दिखते हैं। अरे यार यार मेरे को ना सेमेंट लग रहा है। यू रिमेंबर राइट आई हैव शूट टू गो यार तो तू। हां तो उसमें उसमें विग लगना है ना, लेकिन यू टोल्ड मी उसमें विग लगना है। बस फिर विग उतरती भी तो है। ओ शिट आ गए हैं औजार तरह तरह के ब्लेड। वाओ क्या कौन सा ब्लेड भाई? इफ आई लुक लाइक अ चंपू ना जूती यू लुक व्हाट यू विल हैव इट फ्रॉम मी। डोंट मैं रात से सोते हुए तेरे बाल काट दूंगा यार। आई प्रॉमिस यू विल नॉट लुक लाइक अ चंपू, यू माइट लुक लाइक अ चोमू। बहुत गलत बात है। अच्छा ये रेजर मारने से पहले होता है? ओके ऑनेस्टली मुझे भी डर लग रहा है। मुझे एंग्जाइटी हो रही है देख के। अब मुझे एक चीज का तो यकीन हो गया कि मेरी साइड गई। हाँ है ना? हाँ ऐसे ही तुम्हारा सेंटर भी जाएगा। शूट है शूट में ना मेरे साइड थोड़ी दिखती है तो वो तुम्हारे पास जो है ना ब्लैक मार्कर कुछ है। हाँ 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 वो जरूर दे देना मेरे को। ब्लैक मार्कर नहीं है वो है लॉरियल का वो मैजिक रीटच स्प्रे, वो दे देना मेरे को। ठीक है नहीं तुम कैप पहन लेना ना यार। मतलब तुमने सही में इतना गंदा करा मेरे लिए सोचा है? नहीं सोचा तो नहीं है अब, बट पता नहीं क्या होगा। आई डोंट नो इट्स ओके गोगो बी पॉजिटिव। दैट तो आई वाज स्टिल बी पॉजिटिव। ओके तो एक चीज तो कंफर्म है कि आई एम नॉट फिट फॉर काफी सारे ऑडिशंस फॉर कमिंग फ्यू डेज ना। यस यू कैन ओनली ऑडिशन फॉर वो होते ना ड्रगी पीपल। वाह ड्रगी लोग। वाह जो तो वाह यू कैन ऑडिशन। अच्छा अभी बहुत वो वाला काम हो रहा है चुप। तो हो गया जो काम। नहीं नहीं अभी दूसरी साइड भी तो कैसे छोड़ देंगे बख्श देंगे। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें इतना अच्छा लगे कि तुम बोलो जो जो आज के बाद तू ही मेरा हेयर कट करवाएगी। नॉट हैपनिंग आई डोंट थिंक सो। तो इनको तो सीधा रेजर मारना है ना है? क्या I really hope Coco, तू ये blindfold उतारने के बाद better लगे।
अभी तो सच्ची में चुकंदर लग रहा है भैया आपके पास वो है क्या विग? विग बस भैया बस और मत काटो यार भैया एक काम करो उतना ही मारो उस तरह ही मारा है टेंशन न लो काफी जगहों पे सो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इट्स नॉट अ वेरी डिसेंट लुकिंग हेयर कट नो एब्सोल्युटली नॉट तो मतलब जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूं तो पुलिस वाले मुझे रोकेंगे रोकेंगे ना हां ये भी है ओह माय गॉड व्हाट डिड यू जस्ट डू वाओ कोको दिस इज सो कूल व्हाट ही इज डूइंग मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं मैंने पहली बार देखा ऐसा होते हुए वाओ इनसे कुछ बोलते हैं भैया स्वेयर वेब हाँ वेब वेब बना राइट राइट मैं संतरे के छिलकों के साथ बनाती थी बचपन में बनाया कभी कमल तुमने स्केल और संतरे के छिलके से वेब मैं बस दिखाऊंगी तुम्हें किस दिन जब संतरे लाएंगे मेरे बाल भी वही तो नहीं बनते संतरे तुम संतरा जरूर लग रहे हो इस वक्त कोको आर यू रेडी नॉट आर यू रेडी समबडी कैन प्लीज रिवाइंड दिस टाइम एंड टेक मी बैक टू द टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस कम आर यू रेडी No, and whenever you get to see this, you have to give your honest opinion. Okay. Do you know if you're doing a blindfold haircut? He doesn't know what haircut am I giving him. तुम किसको बता रहे हो? Sam. Sam, yes. Hi, Sam. Probably the last time you're seeing me, I will not coming again. After this haircut. Doesn't matter अब तो जो होना था हो गया हाँ बट ब्लाइंड फोल्ड भैया बिल्कुल एंड में उतारेंगे आप पहले इनको क्लीन वगैरह जो आपको करना है वो कर दो कोको आर यू रेडी हाँ हाँ यू फर्स्ट टर्न यार नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी आर यू रेडी अभी मेरे सामने कोई मिरर तो नहीं है नहीं है ठीक है तो आई से नहीं है ना कोई मिरर हाँ चलो उतार दे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है नहीं लग रहे हो ओके आई एम रेडी टू रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड हु इज गोना रिमूव यू आर गोना रिमूव और आई शुड रिमूव इट माय सेल्फ Ouch. Okay, wait. Sorry. Okay. So now, अभी शादा अब चेयर घुमाना आंखें मत खोलना का मुँह आई विल टेक योर ऑनेस्ट रिएक्शन यहाँ से चलो घुमा दो ए ओपन आइज को अच्छा मेरी ना आंखें ना एकदम से वो हो रही है बहुत अच्छा ठीक है पट्टी थी ना रुको पहले मैं ऐसे घूमता हूँ ओके आई एम रेडी आई गाइस रेडी डोंट वरी इट्स नॉट दैट क्रेजी हाँ हाँ चलो साइड देखो वाओ इधर भी देखो और इधर भी देखो सुपर ओ गॉड आई टोल्ड यू यू कैन स्पॉट एनीथिंग ना एनीवेज कोको दिस लुक्स यू आर लुकिंग वेरी गुड हां अमेजिंग इट लुक्स वाओ ओ ठीक है हैप्पी ओ आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी थैंक्स शादाब बिकॉज ही इज डन एन एग्जैक्टली सेम हेयर कट देख मैं देखो दिखाती हूँ मैंने इन्हें क्या दिखाया था दिस वॉज द वन आई टोल्ड हिम मस्त लग रहा है बस अब एक ही दिक्कत है मेरे को शूट पे जाना ना तो मेरा ये एरिया बहुत वहाँ पे तुम वो स्प्रे कर लेना हो जाएगा इट लुक्स अमेजिंग हाँ अच्छा लग रहा है गुड लुक्स अमेजिंग हैप्पी इट्स अमेजिंग यस You liked it, na? I love awesome. Coco. Thank you so much. So I'll tell you what exactly it is. Yeah. एक साइड से इधर हमने किया है एक पूरी लाइन मैंने लंबी की है और घुमाओ ये इतनी लंबी लाइन और इस साइड से ये दो छोटी लाइन्स है एंड तुमने ये देखा नोटिस किया कि तुम्हारी ये दाढ़ी यहाँ पे भी एक कट है ये देखा yes. इस साइड भी देखो सबसे पहले वही नजर गई क्योंकि शूट का ध्यान आया ना एकदम से इसलिए बट इट्स ओके आई थिंक वो यहाँ पे ना वो कर देंगे उसको मैनेज क्योंकि जो मेरी विग है ना वहाँ पे वो इतनी आती है सिर्फ इतनी ठीक है तो दैट्स ओके ठीक है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पहले तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें आई एम लविंग इट मुझे बहुत ही मतलब बहुत ना कैसे समझाऊं तुम्हें वो जो बहुत ना यूनिक सा लग रहा है एकदम से ना हाँ तुमने एक बार एक लाइन तो छोटी सी कराई हुई है वो काफी पहले कराई थी बट वो बहुत छोटी सी एक लाइन थी यस ये तो बहुत ही लंबी हो गई और दोनों साइड पे हो गई तो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड बाय द वे हमारे हुलिये इसलिए बदल गए हैं स्पेशली मेरे से तो ज्यादा पता चलेगा कि मेरा मेकअप हट चुका है वो इसलिए क्योंकि जब ये वही सैलून है जहाँ पे हमारा स्पा भी है लाइक यही पे हमारे मसाज का पैकेज होता है हमेशा Correct. तो जब कटिंग करा के निकले तो ईमान थोड़ा सा डोल गया ऐसे लगा चले यार करा लेते हैं एक थेरेपी और स्लॉट भी अवेलेबल था तो करा लिया वहीं पे
एंड इसलिए फिर सबसे पहले मैंने मेकअप वेकअप रिमूव किया और ये सब, इसलिए मैं आई लुक डिफरेंट नाउ, इट्स नॉट एनी अदर डे. नहीं, यू लुक वेरी प्रीटी बाय द वे. या दैट इज या. तो हम बहुत रिलैक्स होके एकदम आए हैं वहां से. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट इसी पे, इसी जगह पे ना मोरम स्पा करके जो जगह है ये, यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने हेयर कट कराया था. मुझे बहुत सारी मसाजेस का मैं एक पैकेज बनवा लेती हूँ. अच्छा, बाय द वे नीचे को डाल देना इसमें उनका एड्रेस वगैरह. अगर आप लोग हमारे घर के आस पास हो तो आपको पता होगा हम कहाँ रहते हैं, और यहाँ पे देख लेना. और यहाँ पे जब अगर कोई आता है तो देख लेना, नाम लेके देख लेना, मे बी दिल गिव यू अ बेटर डील, मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये कोई ऐसे पेड कोलैब नहीं है. आई एम जस्ट प्रमोटिंग देम बिकॉज मुझे लगा कि यार अच्छा है और मैं बहुत टाइम से जा रही हूँ यहाँ पे. yes. तो नाम लेके देख लेना मेरा और कमल का, क्या पता दिल गिव यू अ बेटर डील. मैं सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, इस व्लॉग के लिए इतना ही. मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले व्लॉग में, तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, दिस इज कमल जीतोड़ा साइनिंग ऑफ. बाय गाइस, बाय. Let us know. Okay, ki Jyoti ka choice kaisa tha, haircut ka. Mera choice वैसे भी बहुत अच्छा है. Oh yeah. चलो ठीक है. Bye. Bye.